हेलो एवरीवन इस वीडियो में आज हम मार्कबुक्स में मैन्युफैक्चरर नेम क्रिएट करना सीखेंगे इसके लिए आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर से मैन्युफैक्चरर पर आएंगे यहां से क्रिएट पर क्लिक करेंगे फिर मैन्युफैक्चरर नेम मेंशन करेंगे फिर मोर चेक चेकबॉक्स में टिक करेंगे देन यहां कंट्री स्टेट एड्रेस ईमेल आई फोन नंबर मोबाइल नंबर वेबसाइट फिल कर देंगे फिर स्टेटस से सिलेक्ट करेंगे कि आप इस मैन्युफैक्चरर की आइटम्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं या डिसकंटिन्यू फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने किसी आइटम को बैन कर दिया है और वो प्रोडक्ट इस मैन्युफैक्चरर द्वारा भी बनाया जाता है और सपोज़ वो आइटम आपके स्टॉक में अवेलेबल है बट आपको उस आइटम की बिलिंग नहीं करनी है तो उस केस में आप इस मैन्युफैक्चरर को डिसकंटिन्यू पर सेट कर देंगे जिससे इस मैन्युफैक्चरर की आइटम्स की बिलिंग नहीं होगी देन प्रोहिबिटेड सेलेक्ट करेंगे अगर आप इस मैन्युफैक्चरर को प्रोहिबिटेड करेंगे तो बिलिंग के टाइम आपको इंडिकेट हो जाएगा कि इस मैन्युफैक्चरर की ये आइटम प्रोहिबिटेड है यानी आप इसकी बिलिंग नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इस मैन्यूफैक्चरर की आइटम्स कॉस्टली हैं और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र ही इसकी बिलिंग कर पाए तो आप इसे प्रोहिबिटेड पर सेट कर लेंगे और उस यूजर में सेट कर देंगे कि केवल वही इस मैन्युफैक्चरर की आइटम्स की बिलिंग कर पाए तो इस तरह अब मैन्युफैक्चरर क्रिएट करने के बाद सेव कर देंगे तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरर आपने क्रिएट किया है वो आपको यहाँ लिस्ट में शो हो जाएगा आप यहाँ से इसे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप मैन्युफैक्चरर क्रिएट कर सकते हैं इसके बाद अब जब आप आइटम क्रिएट करते हैं और यहाँ एडवांस इन्फो से अदर इन्फ़ो टैब पर आते हैं तो यहाँ आपको जो भी मैन्युफैक्चरर आपने क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट शो हो जाती है और जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप इस मैन्युफैक्चरर की आइटम की बिलिंग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपको शो हो जाएगा आइटम प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर यानी कि आप इस मैन्युफैक्चरर की आइटम्स की बिलिंग नहीं कर सकते हैं तो इस तरह आप मार्कबुक्स में मैन्युफैक्चरर क्रिएट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग